दोस्तों मैं आज हूँ आकार एक्वेरियम में, और आकार एक्वेरियम में आज मैं ब्लेंडेड एक्वेरियम में जो हम लोग एक्वेरियम फिश मोस्टली रखते हैं तो सारे में कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली अभी काफ़ी अच्छा स्टॉक आया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सिकलेट फिश की वेराइटीज़ आई है, गप्पी फिश की वेराइटीज़ है। तो हम लोग है ना सारे एक्वेरियम फिश है एक एक करके कवर करने वाले हैं, विद प्राइस हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आकार एक्वेरियम के ओनर हैं राजन सर, उनसे हम लोग पहले मिलते हैं। हमारे सामने है राजन सर है आकार एक्वेरियम के ओनर। तो सर इस बार हम प्लांटेड एक्वेरियम फिश को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं आपके प्लांटेड एक्वेरियम फिश के स्टॉक, क्योंकि इतना जो ज़्यादा वेराइटीज में बहुत ही कम जगह पे आपको स्टॉक है वो देखने के लिए मिलता है। तो सर इस बार कौन सी फिश है अपने स्टॉक में लाई है? ये टाइम पे आप एंडल में काफी एक नया स्टॉक देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके ब्लू एंडल्स हो गए, बाद में आपके पिंगू एंडल्स है, मेरे पास टाइगर एंडल्स है, अच्छा रेड चिली एंडल्स है, हाँ ये थोड़ा नया स्टॉक है। बाद में आपके ब्लैक डायमंड न्यूज काफी अच्छे है, बाद में रेनबो बाब में है, कार्डिनल जो की टाइम पे आया है पूरा इम्पोर्ट स्टॉक है, अच्छा अच्छा काफी अच्छा रहेगा। बाद में गप्पीज में थोड़े गप्पीज भी अच्छे है, और इसमें बाकी काफी कुछ वेराइटीज वगैरह काफी कुछ है। तो सर एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं कवर करने के लिए। तो सर हम अभी जो पॉपुलर है सारे स्टोर में और ज़्यादातर के सेलिंग के लिए देखने को मिलते, तो वो फिश से हम लोग पहले कवर का स्टार्ट करते हैं कवर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो टेट्रा कवर कर रहे हैं कलर में, तो ये क्या साइज और इसका क्या प्राइस है? जनरली जो वीडियो आप देख रहे हो ना ये ऑलमोस्ट 1 इंच और उससे छोटे कम भी है, जो है थोड़े छोटे है, बाकी आपका ग्रीन येलो जो है ऑलमोस्ट 1 इंच के, इसका रेट है 120 पर। इसमें आपको 6 कलर देखने मिलेंगे, एक तो आपका जो रेड कलर हो गया अभी नया कलर है बराबर है, बाद में बरगंडी रेड हो गया, बाद में आपका ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है, और आपका रेड टाइगर है, यानी रेड टाइगर इसको बोलते हैं जनरली, अच्छा रेड और ब्लैक मिक्स जो है रेड टाइगर बोलते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे 6 कलर में ये मेरे को मिल रहे हैं, 120 प्यार है, और इसमें बड़े साइज दिखाऊंगा, बड़े साइज में है मेरे पास ये, जैसे कि मैं आपको बोला कि इससे बड़े साइज में है, तो इसमें खाली रेड वराइटी जो है ना वो हमेशा महंगा आता है, इसके पहले आपको जो मैंने दिखाया उसमें रेड कलर थोड़ा छोटा था, तो ये रेड कलर का कॉस्ट है 200 पर, तो बाकी जो अदर्स है आपका येलो एंड ग्रीन वाला बरगंडी कलर वाला जो भी है उसका कॉस्ट है 150 पर। और क्या साइज है अभी इसका? ये आपके 1.5 इंच के आसपास है, 1 इंच प्लस है, 1.5 इंच के बीच में 1.5 इंच के आसपास। और यहाँ पे इसमें आप जो देख रहे हो इसमें 1.5 इंच प्लस है, 2 इंचेस तक भी कोई कोई, इसमें आप देख रहे हो कि रेड कलर जो है वो 300 पे है, और बाकी अदर कलर जो जैसे कि मैंने बताया येलो ग्रीन बरगंडी तीन कलर जो है आपका इसका कॉस्ट है 200 पे है। ये आप जो देख रहे हो कोई कपीज है, और ये थोड़े स्मॉल साइज में एकदम मीडियम साइज स्मॉल बोल सकते हैं इसको, इसका कॉस्टिंग आपका है 80 पे है, ये लोकली ब्रीड हो रहा है, सबसे काफ़ी सस्ता आ रहा है, लेकिन पहला काफ़ी हमने महंगा बेचा हुआ है ये गप्पी, अभी इधर ब्रीड लोकली ब्रीड हो रहा है। बाद में यहाँ पे सर ये आपका मेटेलिक लेस गप्पी है, इसका कॉस्ट है 2 पे मेल फीमेल्स है, ये सब देख सकते हो इसका बॉडी पूरा पैटर्न जो है मेटेलिक लेस वाला है। और यहाँ पे सर ये आपके गप्पीज में टाइगर एंडलर्स है, और आपके ये चिली एंडलर्स है, इसका कॉस्ट है आपका एक 125 पे है, और इसमें आप देख रहे हो कि एंडलर का ही वैरायटी है, एक तो आपके ब्लू एंडलर्स है और पिंगू एंडलर्स है, और इसका रेट है आपका सेम 125 पे है, और आपका ये जो रेगुलर एंडलर जो मिलते हैं वो रेगुलर एंडलर्स है, इसका कॉस्ट है एक 60 पे है। यहाँ पे सर इसमें आपके अपिस्टोग्रामा अगासिस है जिसको डबल हेड बोलते हैं, इसका कॉस्ट है एक 1200 पे है, 600 पीस है। अच्छा क्या साइज है इसका? ये आपके एक 1.5 इंच के आसपास, 1.5 इंच प्लस है। और यहाँ पे सर वो ये आपके पेट्रिकोला है, लेकिन ये टाइम पर जो पेट्रिकोला आया जो है वो गोल्डन पेट्रिकोला है। अच्छा मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम आया है गोल्डन पेट्रिकोला, और जनरली हम लोग ब्लैक पेट्रिकोला देखते हैं हमेशा आता है। यस यस और इसका कॉस्ट एक 1200 पे है। ये आपका गार्डन किली फिश है, इसका पैर एक 350 पे है। ये आप जो देख रहे हो इसमें आपके अल्बिनो नियोमन टेट्रास है, और बाकी आपका ब्लैक अल्बिनो नियोन टेट्रा, अच्छा इसका कॉस्ट है 120 रुपए पे। ये अल्बिनो नियोन ना? हां अल्बिनो, अरे ब्लैक अल्बिनो।
तो बाद में यहाँ पे सर ये आपके ब्लैक डायमंड नियॉन्स है। हाँ हाँ, काफी अच्छे दिखते हैं ये, आप देख सकते हो इंटेंस ब्लैक कलर में आता है। यस यस, ये भी आपका सेम रेट का है, 120 रुपए। और साथ में आप देख रहे हैं बम्बल भी है, जो ये है गोबीज है। हाँ, बम्बल गोबीज का पेयर है आपका 100 रुपए का। अच्छा, यहाँ पे सर ये आपके ट्रेंजलिंग है, उसमें वो जो हल्दी मूली गोल्ड मूली बोलते हैं मिक्स है, उसका पेयर है आपका 100 रुपए का। ये जो आप फिश देख रहे हो, ये फिश एक्चुअली काफी काफी टाइम के बाद में आया है। ये फेदर फिन रेनबोज है और काफी टाइम के बाद में यानी आया, काफी ऑर्डर के बाद में ये आया है। तो इसका रेट एक 200 रुपए का पैर फेदर फिन रेनबोज। और यहाँ पे ये आपके अल्बिनो कार्डिनल टेट्रास है और इसका कॉस्ट है 200 रुपए का पैर अल्बिनो कार्डिनल टेट्रास। ये आपकी ग्रीन नियॉन टेट्रास है, काफी रेयर रहते हैं और ये काफी हार्डी फिश है। एक बार टिक गए तो मेरे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो मेरे सेटअप में जो फिश टिका था वो है आपका ये ग्रीन नियॉन, इसका कॉस्ट है 150 रुपए पैर। ये आपके मॉस्किटो रसगुरास है और इसका मैकलोटा बोलते हैं, इसको स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं, वो जो स्ट्रॉबेरी रसगुरा बोलते हैं, इसका कॉस्ट है आपका 120 रुपए पैर। और सर श्रीम श्रिम्प में मेरे पास एक टाइम पे रेड फायर है, या अभी जो आप देख रहे हो रेड रिली श्रिम्प, सूट श्रिम्प इसको बोलते हैं। साथ में आपके स्नो बॉल श्रिम्प्स है। अच्छा, टाइम पे हमने श्रिम्प का तो ऑलमोस्ट फ्लैट रेट ही रखा है। ये खाली जो आपका रेड फायर श्रिम्प है वो है आपके 100 रुपीज़ पैर, और येलो श्रिम्प जो है आपको दिखाऊंगा आगे वो 120 रुपीज़ पैर। बाकी जितने भी श्रिम्प है आपके ब्लैक है, पहले चोको श्रिम्प है, ब्लैक रिली है, बाद में स्नो बॉल है। हाँ, बाकी अदर जितने भी मेरे पास है सब सबका फ्लैट रेट रखा है 150 रुपए का। अच्छा, तो इनका भी रेट 150 रुपए है। ये आपके जेट ट्वेंटी रेनबोज है और जेट ट्वेंटी रेनबोज का कॉस्टिंग है आपका एक 250 रुपए। ये आपके पास्का रेनबोज है, उन्हें सेम रेट के 250 रुपए पास्का रेनबोज, इसको रेड न्यूम भी बोलते हैं। ये आपके एम्बर टेट्रास है, एम्बर टेट्रास है और इसके एम्बर का कॉस्टिंग है आपका 100 रुपए। इसमें थोड़े ग्रीन रसगुल्लास है, आपके उसमें बोला था वही आपका येलो श्रिम्प जो है 120 रुपए पैर है और रेड फायर श्रिम्प है वो 100 रुपए पैर है। ये टाइम में आप देख रहे हो इसमें फैंटम टेट्रास है, ब्लू फैंटम टेट्रास है और इसका कॉस्ट है आपका 80 रुपए पैर। और यहाँ पे इसमें ब्रिलियंट रेड नोज है जो कि आप देख रहे हो कि इसमें ज़्यादा शाइन होता है और बॉडी में भी ऐसा एकदम ग्लो है और इसका टेल में जो ब्लैक कलर है काफ़ी इंटेंस आता है और हेड का भी जो रेड कलर काफ़ी इंटेंस आता है। और इसके अंदर अल्बिनो ये भी है अल्बिनोज और दोनों का कॉस्टिंग सेम है 200 रुपीज़ का है। तो वेल्टी चेरी बाब्स है, इसका कॉस्ट है 100 रुपीज़ का है। ये प्लांटेड टाइम में काफ़ी अच्छी दिखती है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि प्लांटेड में काफ़ी सुंदर दिखते हैं वेल्टी चेरी बाब्स। और ये आपका वाइल्ड कॉट गोल्ड टेट्रा है। अच्छा, और इसका कॉस्ट है आपका 250 रुपए पैर, मतलब तो रेयर वैरायटी है। ये आपके ज़ेब्रा डेनियोस है, ज़ेब्रा डेनियोस का कॉस्टिंग है आपका 50 रुपए पैर। इसमें आप देख सकते हो कि रैम्बो रैम्बो बाब है, काफ़ी रेयर वैरायटी है बाब में और काफ़ी प्यारे दिखते हैं और ये एग्रेसिव नहीं है जनरली बाकी बाब जैसे। इसका कॉस्टिंग रैम्बो बाब है ना, इसका कॉस्टिंग आपका एक 300 रुपए पैर, 300 रुपए पैर यानी छोटे आए हुए हमेशा मैं उसको ज़्यादा निकालता हूँ, रैम्बो बाब है। और ये सर कॉरिडोरा, कॉरिडोरा आपका एक 80 रुपए पैर है अल्बिनो कॉरिडोरा है। इसमें आपके डॉलर डॉलर्स है 80 रुपए पैर और साथ में आप देख रहे हो कि आपके ये है पोलर पोलर पैरेट है, उसमें टाइगर पोलर है तो प्लेटिनम है वो आपका 150 रुपए पैर। छोटे आपके कार्डियल टेट्रास है जो कि इम्पोर्ट टेट्रास है, आप देख सकते हो उसका ग्लो जो है उससे मालूम पड़ता है और जनरली केरला से भी काफ़ी स्टॉक आता है। अच्छा, केरला का जो स्टॉक आता है वो उसमें क्या होता है कि आपका ग्लो कम मिलता है, इसलिए आपको मालूम है कि पानी का फर्क पड़ता है इम्पोर्ट इंडियन में। यस यस, तो ये जो है आपका इम्पोर्ट कार्डियल टेट्रास है, इसका कॉस्ट है आपका 100 रुपए का। ये आपके एम्पर टेट्रास है, पर्पल एम्पर ब्लैक मिक्स है उसमें और इसका कॉस्ट है 80 रुपए पैर। और एक कॉरिडोर, कॉरिडोर आपका ग्रीन कॉरिज है, वो भी सेम रेट का 80 रुपए पैर। ये आपके रेड नोज टेट्रास है रेगुलर वाले जो कि इसके बारे में बताया था वो प्लैटिनम थे। हाँ, इसका कॉस्ट है 120 रुपए पैर, वो साइज काफी बड़ा साइज है। और ये आपका हार्लिक क्वींस है, आपके हेगेली भी है
और पर्पल हालिक्विल भी है, उसका कॉस्ट आपका 120 रुपये लगता है। तो ऑटो सिंथेसिस है, ऑटो सिंथेसिस का कॉस्टिंग में फिलहाल थोड़ा हाई है क्योंकि वो काफ़ी आने के बाद भी उसको सब संभालना पड़ता है और अच्छी कंडीशन में। ये 350 रुपये पैर ऑटो सिंथेसिस। ये आपका रेगुलर फैंटम टेट्रास है, इसका कॉस्ट है 60 रुपये पैर। और ये आपके कार्डियल ट्रैक्टर है बिग साइज में, और इसका कॉस्ट आपका है 150 रुपये पैर। और ये आपके सिल्वर शार्क्स है स्मॉल वराइटीज में, इसका कॉस्ट आपका 125 रुपये पैर। ये आपके सायामीज अलिगेटर्स और गोल्डन अलिगेटर्स 100 रुपये पैर। और ये आप तो इसमें आपके ये सांता क्लॉस होटल्स है क्योंकि 100 रुपये पैर है यहाँ पे। और इसमें आपके रेनबोज है, रेड रेनबोज है, बोस्मैन रेनबोज है, इसका कॉस्ट है 350 रुपये पैर। एक में सब ट्रिबेंसिस वराइटी है, इसका कॉस्ट है 300 रुपये पैर। ये आप देख रहे हो ना, ये सब आपके मोनाकोपुरो एंजल है, लेकिन ये मोनाकोपुरो में आपको भी दिखा है 150 रुपये पैर, ये वो नहीं है। ये एक्चुअल रेड सोल्डर है, देखो आपके सोल्जर जो है रेड कलर आ रहा है इसका, इवन ये भी कलर देख सकते हो। तो ये इम्पोर्ट स्टॉक है और इसका कॉस्ट है आपका 3500 रुपये पैर है। ये आपके अल्बिन मोनाकोपुरो एंजल्स है विथ रेड सोल्जर वाले भी और आपके अल्बिन मोनाकोपुरो भी है, और इसका कॉस्ट है 3500 रुपये पैर। और साथ में आप देख सकते हो कि जायंट वाइट ऑफ टेट्रास है जिसको ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा बोलते हैं। अच्छा, इसका कॉस्ट है 800 रुपये पैर, ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा पे, जो कि काफ़ी बड़े और वैरायटी होते हैं, जैसे कि कॉन्गो टेट्रास हो गए वैसे वैरायटी बड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि प्लांटेड टैंक में आपका ये जो चेरी बाप काफी अच्छी दिखते हैं, आप देख सकते हो उसका कलर क्या आता है, फीमेल है ना सर। हाँ, बाकी जो किसको कलर कम है वो फीमेल, जो डार्क देख रहे हो ये मेल है, रेजल है, वो कलर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर है उसका। चेरी बॉब्स चेरी जैसे दिखता है वो मेल तो एकदम लिटरली, बाकी मैगजीन फीमेल मेल्स है जो कलरफुल मेल्स है। तो दोस्तों ये था वीडियो आकार एक्वेरियम का था, जिसमें हमने अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांटेड एक्वेरियम फिश है वो कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा। तो सर अभी जाते जाते आप एक कंफर्मेशन दे दो हमें कि वो शॉप का जो है वो कभी हमें देखने को मिलेगा। मिनिमम से कम से कम एक महीना तो प्लस, यानी एक महीना जाएगा, एक महीना जाएगा पूरा सेटअप करने में, तो काफ़ी टाइम जाएगा, लेकिन एक महीने के बाद वो आपको शॉप का एड्रेस दिखा दूंगा। तो अभी उस टाइम हम लोग एड्रेस रिवील करेंगे बाद में सब होने के बाद। जनरली ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको कहीं देता हूँ कि आपको खाली बोलेंगे तो सेम लेन में ही है। अच्छा अच्छा, ज्यादा लंबा जाने का नहीं है। अच्छा अच्छा, यानी बोल ही देता हूँ मैं, एक दुकान छोड़ के खाली डबल शॉप है और कुछ। अच्छा अच्छा, सेम बिल्डिंग, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है। तो आपके सेम इसमें ही जो शॉप है, एक शॉप छोड़ के जो है आपका नया शॉप चालू हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो सर काफी अच्छा है, अभी हमारे व्यूअर्स को तो पता चला रहेगा, तो एक अच्छी बात है। तो आई होप कि हम लोग जल्द से जल्द वो शॉप दिखाएंगे वीडियो में, क्या थोड़ा वरायटी भी बढ़ जाएगा और मैं आपको मैक्सिमम वरायटी दे पाऊंगा, कि काफ़ी जन का भी ऐसा ये है कि आकार में खाली महंगा ही वरायटी मिलता है। तो अभी इसमें मैं सोचूंगा कि आपको सस्ता भी दे पाऊंगा, इससे महंगा दे पाऊंगा, यस यस, दोनों भी मैनेज करूंगा ना। ओके, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। राजन सर काफ़ी आपने अच्छी तरीके से बताया, काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ आपने दिखाई है आपके शॉप की, तो आप इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।